हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो भाई आज करने वाले हैं हम अर्टिगा सीएनजी का ड्राइव रिव्यू। ठीक है, काफी डिमांड आ रही थी कि यार एक बार अर्टिगा सीएनजी के ऊपर आप रिव्यू लेके आइए कि कैसी है चलने में और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता चलाने का। तो पहली बारी मैं चला रहा हूँ भाई, नहीं तो इससे पहले टाटा ह्यूंडई सारी गाड़ी चलाई है। तो मारुति की अर्टिगा पहली बार चला रहा हूँ मैं सीएनजी में। बाकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो जो हमारी सीएनजी में पावर निकालती है 87 बीएचपी विद 121 एनएम का टॉर्क। बाकी देखो स्पेक्स तो अच्छे हैं ही, अब चलाने के बाद मुझे कैसी लगती है वो मैं आपको अपने वीडियो के अंदर जरूर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे ही पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये है पब्लिक गैराज के सहरे में कोटिंग। नई थोड़ा सा डिजाइन चेंज करा है, कलर वगैरह चेंज करा है। कुछ कंपनीज को इशू हो गया था कि भाई आप सेम निकाल रहे, पता नहीं भाई मुझे कहाँ से लगा कि इनको सेम है। बट भाई जिनको भी कोई भी दिक्कत है अपनी गाड़ी के डस्टिंग वगैरह, ऐसा कि रोड डस्ट जमती है, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। 499 रुपीज में, सिर्फ 499 रुपीज में 200 ml आपको देखने को मिल जाता है। और भाई मार्केट में 1000 रुपए में सब आपको ये दे रहे हैं। और शाइनिंग इतनी जबरदस्त देखने को मिल जाती है, जैसा कि मेरे आपने और वीडियोस में भी देखा होगा। ब्लैक कलर हो, व्हाइट हो, मैरून कलर हो, कोई भी कलर हो, E2Z टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, इंटीरियर हो, कहीं पे भी यूज करो भाई, शाइनिंग आपको धमाकेदार देखने को मिल जाएगी। ऑर्डर करना है तो मेरी स्क्रीन पर नंबर आ जाएगा, या कोई चाहता है कि भाई ऑनलाइन कोई खरीदे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई अगर स्टेयरिंग की बात की जाए ना, तो जिस हिसाब के आजकल एक 7 सीटर गाड़ियों के आ रहे हैं उसके ज्यादा लाइट लग रहे हैं, इसका थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा। अब टाटा सफारी की बात करूं, XUV 7 डबल लो भाई, इतनी हल्की, स्कॉर्पियो एन, एकदम मक्खन जैसी गाड़ी चलती है स्टेयरिंग की, सिर्फ अगर मैं बात करूं। ठीक है, बाकी स्टेयरिंग की ना बात करूं, बिल्ड में भी इससे आगे निकल जाती है। बट ठीक है भाई, सेलिंग फिगर्स में बात करी जाए तो इस गाड़ी के आगे कोई भी गाड़ी नहीं टिक पाती है 7 सीटर की अगर मैं बात करूं। भाई ये VXI ऑप्शनल आपका वेरिएंट है सीएनजी के साथ, तो बहुत सारे फीचर्स आपको दिख जाते हैं इसकी MID स्क्रीन में। जैसे कि यहाँ से आप अगर इसको लीवर को पुश करोगे तो कितना टॉर्क निकाल रही है, ड्राइविंग टाइम कितना रहा है, क्या एवरेज देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्या एक्सेलरेशन है, कैसी ब्रेकिंग आपने यूज करी है, वो सारी चीजें आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बाकी ड्राइविंग से पहले भाई एक मैं अलग चीज करना चाहूंगा, मेरे साथ बैठे हैं पारस भाई। तो देखो इससे पहले मैंने एक ब्रीजा का टेस्ट करा था, 1 किलो में 35 किलोमीटर का एवरेज निकाला था ब्रीजा ने। अब भाई मारुति की गाड़ियां ऐसी हैं कि इतना एवरेज देती हैं, टाटा पंच भी निकाली है वो भी कहीं ना कहीं भाई 26 पे समेट जाती है, नियोस 23-24 समेट जाती है। तो पारस भाई एक तो भाई का भी चैनल है भाई ऑटोमोबिक्स करके, आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपने अभी 1 किलो चलाई है भाई अर्टिगा, आपको एवरेज लिटरली में इसका कितना निकल गया है भाई? 1 किलो 30 ग्राम इस गाड़ी में सीएनजी डलवाई थी, क्योंकि 1 किलो पे स्पेसिफिक रुक नहीं पाता है मीटर, आपको ही पता है सीएनजी वाला। सो वहां पर ना मैंने इस गाड़ी को चलाया, लगभग थोड़ा सा बहुत रेयर पैच रहा था, लोकल का जाम वाला एरिया भी था, बाकी अदरवाइज वहाँ सिचुएशन मैंने ऑल ओवर जो देखा 37.3 किलोमीटर ड्रिवन करी है मैंने कार। और हाई जो मैं थोड़ी सी हाईवे पे भी था उसमें मैंने लगभग गाड़ी को 90 तक स्ट्रेच किया था। ये जैसा अभी मैं रोड पे चला रहा हूँ वैसा ही इस रोड पे भी चलाई है मैंने, इस रोड पे भी चलाई है। हाँ। तो भाई 37.5 आप क्लेम कर रहे हो, 37.3 का, 37 ही मान लेते हैं, 37 का माइलेज क्लेम भाई कर रहे हैं हमारे, जो कि लिटरली मैंने भी ब्रीजा के अंदर निकाला था। तो अब जब गाड़ियां इसको हम लेते हैं ना मारुति, कोई भी गाड़ी ले लो, चाहे आप नॉर्मल ले लो विदाउट सीएनजी ले लो या विद सीएनजी के साथ ले लो, जब जेब में हम 300-400 रुपए डाल के निकलते हैं तब हमें पता लगता है कि भाई 300-400 में कितने किलोमीटर चल जाएगी। वही मैं भाई सफारी लेके निकलता हूँ, 1000 रुपए कहीं नहीं गए उसके। ठीक है, वही चीज बताना चाहूंगा, देखो एक तो माइलेज को अगर आप फिगर से देखोगे तो वो ठीक है, गाजियाबाद से मैंने सीएनजी डलवाई थी 82 रुपीज में 37 किलोमीटर एक 1500 cc इंजन के साथ, बहुत बड़ी बात होती है बहुत। और ऊपर से मुझे लगता है इसके पेट्रोल में भी भाई कितना एवरेज है इसका पेट्रोल में, पेट्रोल का भी जल्दी हम माइलेज टेस्ट करेंगे, टैंक फुल करके अगेन हम उसको 60-70 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करेंगे। अच्छा। देन उसके बाद एक बार चेक जरूर करेंगे इसका जो, बट मेरे को जो लमसम लगता है ना, देखो पेट्रोल के साथ चाहे लगभग सभी गाड़ियों के माइलेज कम रहते हैं भाई, लेकिन फिर भी यार इसका जो क्लेम करती है कंपनी तो करती है 18-20 का क्लेम करती है, 17-18 के आसपास क्लेम करती है कंपनी इसका, फिर भी भाई पेट्रोल जब 26 जब 26 बोल के 35 का माइलेज दे रहे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं लगता है कि 20 का तो माइलेज हाईवे पे देगी आराम से दे भाई। देखो अब एक बार बताओ, पेट्रोल में 20 का एवरेज, सीएनजी में 35 का एवरेज, और वो भी ऊपर से क्या 7 सीटर है ना, 7 सीटर प्योर 7 सीटर सवारी में इतना स्पेस है जितना इसमें स्पेस है। देखो ऐसी बात मत करो यार तुम नहीं, ये चीज रियलिटी आप बैठ के देखना। अरे नहीं भैया देखो, अब तो खैर सीएनजी की अलग बात है इस गाड़ी की, लेकिन 7 सीटर गाड़ी के बाद भी ये इतना अच्छा एवरेज पेट्रोल के अंदर भी सीएनजी के अंदर भी। जब देखो अब मैं वही वाली बात बता रहा हूँ पॉकेट फ्रेंडली वाली, कि जब भाई ने बताया कि 87 रुपए की सीएनजी डलवाई
वो भी भाई चली 37 किलोमीटर। अगर यहीं मैं 100 रुपए का डीजल डलवाऊ ना तो शायद वो इंजन स्टार्ट होने में ले जाए इतना। मतलब मजाक से हट गए। ये जो मैंने बताया था ना कि सफारी से भाई का चैनल ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला है, तो इसलिए वो क्रिएट करने के लिए हाइप क्रिएट करने के लिए है। बाकी भाई देखो, व्यूइंग एंगल की बात की जाए, आपके विंडशील्ड के प्लेसमेंट्स, ओवरवीएम के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है, सब आपको प्रॉपर विजिबल होता है। इसके अंदर आपको हाई डिस्टेंस वाला लीवर भी देखने को मिल जाता है, और भाई 12,35,000 की आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है। ठीक है, 12,35,000, 12.5 भी नहीं पहुंच रही है, 12.35 में आपको देखने को मिल जाती है। 7-सीटर गाड़ी, ह्यूज स्पेस, बहुत अच्छी गाड़ी, और सीएनजी के साथ कहीं भी ट्रिप पे लेके निकलो। और उसकी अगर मैं बात करूं माइलेज की, तो मैंने आपको बताया हो तो मैंने क्लेम नहीं करा, बट हाँ भाई ने करा तो 100% दिया ही होगा। इतनी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है कि जब हम ये देखते हैं ना कि यार बिल्ड क्वालिटी का है, और मतलब बेसिकली तो ये जो मारुति को हाइप बनाई जाती है इस गाड़ी की, जो नेगेटिव बोला जाता है कि बिल्ड क्वालिटी को लेकर, लेकिन यार जैसे अब हम इन रोडों पे चल रहे हैं तो बाय चांस एक रेयर चीज ऐसी हो जाती है कि यार कोई गाड़ी पीछे से टक्कर मारे। अगर हम होशो आवाज में चलाएं तो बड़े सेफ चला सकते हैं, फिर भी भाई उसके बाद हम बिल्ड क्वालिटी और अलग हटाएं तो गाड़ी के अंदर सब चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। चाहे मैं चलाने की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं अब मैं देखो मैंने ये चला रखी है गाड़ी सीएनजी के ऊपर, तो सीएनजी के ऊपर भाई और मैं बैठे हुए हैं, तो मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि गाड़ी कहीं भी अंडर पावर फील हो रही हो। गाड़ी को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, एक जैसे सीएनजी के अंदर पावर होनी चाहिए जैसे मैंने स्पेसिफिकेशन बताया, तो है मुझे गाड़ी के अंदर दम लग रहा है सीएनजी के अकॉर्डिंग। तो ऐसा भी नहीं मैं कह सकता कि एक बहुत अच्छा आपको पिकअप देखने को मिल जाएगा सीएनजी में, बट हाँ यार चलाने में मजा आ रहा है, कहीं भी ऐसी नहीं है कि मुझे ज्यादा एक्सेलरेशन देनी पड़ रही हो इसको आगे पुश करने के लिए। तो ओवरऑल इट्स गुड, और आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई सस्पेंशन भी गाड़ी के काफी अच्छे हैं। एक जगह ये मार्क आती है, वो है भाई हमारी गाड़ी 12.5 लाख में आपको चलाने में मेंटेनेंस सर्विस वगैरह सब बहुत रिलायबल देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो गाड़ी की लुक्स है ना यार वो आपको टोटली सेक्रीफाइस देखने को मिलता है। एक जो ब्रांड वैल्यू है जैसे कि भाई Hyundai की है कि भाई फीचर्स, लग्जरी, फिट एंड फिनिश, रोड प्रेजेंस आती है, वो आप मारुति में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे एक डिसेंट सी लुक लगती है गाड़ी की। उससे अलग हटके अगर आपको ये चीज देखनी है कि आप लाइफ टाइम तक भाई पॉकेट फ्रेंडली रहें और आपको एक अच्छी गाड़ी मिले लॉन्ग टर्म के लिए, और बिल्कुल इजीली पार्ट्स इसके सारी जगह अवेलेबल हो, कि अगर आपको सिर्फ सर्विस नहीं करानी मारुति के शोरूम से तो आप कोई और वेंडर, लोकल वेंडर पकड़ सकते हैं तो वो भी इसकी सर्विस कर दें, तो ये भाई गाड़ी उनके लिए है। मतलब टोटली भाई पॉकेट फ्रेंडली यार, हर तरफ से पॉकेट फ्रेंडली। भाई देखो अब जैसे हमें पता है ना कि मारुति की गाड़ियां महीने की 1.5-1.5 लाख यूनिट बिकती हैं, कभी 1,55,000 कभी 1,53,000, मतलब 1.5 लाख के आसपास रहती हैं। ये एक इकलौती मतलब इसकी गाड़ी की सेल्स फिगर की बात करूं तो 16,000-17,000 यूनिट्स पर मंथ, इतनी तो भाई कुछ कुछ कंपनीज की भी पूरी गाड़ियों की जितनी प्रोडक्ट्स है उतनी सेल नहीं होते, जो ये अकेली इतनी बिक जाती है इस सेगमेंट के अंदर। अब इसके भाई सेगमेंट में और भी गाड़ियां आती है, जैसे कि किया कैरेंस हो गई, ठीक है वो जा रही सामने, तो ये लेकिन आपको सीएनजी ऑप्शन नहीं देती है, ऊपर से मारुति का भरोसा जैसे इंजन रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस सर्विस, तो ये और कोई गाड़ियां क्लेम नहीं करती। हालांकि वही मैं पुरानी वाली बात बोलूंगा, लुक्स में आपको सेक्रीफाइस देखने को मिलेगा, रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बट हाँ एक प्रॉपर फैमिली गाड़ी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी आपको चलानी है और आप चाहते हैं कि भाई आप गाड़ी से एकदम बिल्कुल टेंशन मुक्त रहें, तो ये गाड़ी आपके लिए बन जाती है, वो भी 12.5 लाख में। और भाई टॉप एंड 12.5 तो वहां से स्टार्ट होती है गाड़ी, जो आपको ये मिड वेरिएंट देखने को मिल जाता है VXI में। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं सिर्फ रोड प्रेजेंस की बात करूं उसको हम अलग अलग हटाएं, बाकी हर चीज में ये गाड़ी आगे निकल जाती है। अगर इनके कॉम्पिटिशन से बात करूं, मारुति सिर्फ दो चीजों पर वर्क कर ले भाई मेरे अकॉर्डिंग, एक तो डिजाइनिंग पे और एक बिल्ड क्वालिटी पे। जिस हिसाब से उसके 1.5 लाख यूनिट है ना, लिटरली आई एम सेइंग कि वो 2 लाख भी पार कर जाएंगी। अब टोयोटा स्ट्रगल कर रहा था भाई, हालांकि टोयोटा नंबर 1 रिलायबिलिटी में सबसे आगे है, लेकिन अब अगर आप टोयोटा की सेल्स फिगर देखेंगे ना, ग्लैंजा, रोमिनियन, ठीक है जो भी मारुति के जॉइंट वेंचर के साथ हो रखा है, वो गाड़ी इतनी बिक रही है कि उसकी 15-20,000 यूनिट महीने की अप हो गई है। तो कहीं ना कहीं भाई मारुति का दबदबा है, और आप कह लो कि एक तरीके की अपने इसने मोनोपोली बना रखी है, तो वो चीज जब हम गाड़ी को चलाते हैं ना जब समझ आती है। मैं भी पहले अगेंस्ट रहता था, पाली नहीं लेनी, अरे बेकार गाड़ी है, लेकिन जब चलाई तो फील हुआ कि हाँ यार क्यों लोग इसको इतना लेते हैं, चाहे कोई भी गाड़ी हो, अर्टिगा हो, बलिनो हो और फ्रोंग्स हो, ये बिल्कुल अफीम के नशे की तरह ही है, सूंगो और एकदम बंदा, अगर सेकंड हैंड में देखोगे ना, सांस छोड़ी लिया छोड़ दी और आपको सेकंड हैंड ओनर भी इसके देखने को मिल जाएंगे, और आपके रीसेल मार्केट भी काफी अच्छी है। अगर आप कहीं भी इसको सेल करने जाओगे तो एकदम फटाके से बिक जाती है भाई, तो सेकंड हैंड ओनर्स ही बहुत हैं
और फर्स्ट हैंड तो भाई आप देख रहे हो कितने महीने की सी यूनिट्स निकल रही है भाई। अब थोड़ी सी पुश कर रहा हूँ गाड़ी को, लेट्स सी कि कितना कवर कर पाती है। बाकी आई होप कि भाई देखो 100 तो चढ़ी गई है गाड़ी, फुल अभी हाईवे पड़ा हुआ है, तो स्टेबिलिटी चेक करो, वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी में, और क्या CNG में भाग रही है। हम दो लोग बैठे हैं भाई, 100 के लोग हैं, लेकिन 100-120 चढ़ गई है गाड़ी, ठीक है। 120 अभी चढ़ गई थी तो स्टेबल है गाड़ी, प्योर स्टेबल है। सस्पेंशन भी गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो मैंने अभी 120 पे लगाई ना, तो देखो यहाँ पे जैसे गाड़ी चल रही है अपनी, थोड़े से मैं ब्रेकिंग लूँगा, तेज नहीं लूँगा, जैसे 100-0 तो नहीं करूँगा, बट जैसे यहाँ पे कोई डिवाइडर वगैरह आया हमें कट लेना है, तो ब्रेकिंग एकदम कनेक्ट करते हैं। ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस आपको देती है गाड़ी, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मेरी टाटा सफारी में ब्रेकिंग ट्रेवल जाता है तो कहीं लूज करते हो, तो मुझे इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी लगी। तो यार देखो, ये छोटा सा एक मेरा ड्राइव रिव्यू था, इसमें बस जो मैंने हाईलाइट आपको बताया, एक तो रिव्यू तो मैंने नहीं, उसको सॉरी माइलेज चेस तो मैंने नहीं बताया, भाई ने क्लेम कराया तो 100% वो भी एक्यूरेट ही होगा। 1 किलो में आपको 37 का एवरेज, गाड़ी के सस्पेंशन ब्रेकिंग काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, हाँ स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड है, डिजाइनिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, रोड प्रेजेंस वो ऑब्वियसली नहीं अच्छी मिलने वाली है, लेकिन 12.5 लाख में आपको 7 सीटर देखने को मिल जाती है गाड़ी, तो वो एक प्लस पॉइंट इसका बन जाता है। बाकी जो जो भाई प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने का 7 सीटर गाड़ियों का, तो आप ट्राई करना कि एक बार 12-15 लाख अगर आपका बजट है तो आप ये अर्टिगा देख के आओ, आई होप आपको पसंद आएगी। बाकी किसी ने प्लान कर ही लिया है कि भाई उनको प्रॉपर बिग एसयूवी चाहिए तो उनके लिए गाड़ी नहीं है, लेकिन मिड कॉम्पैक्ट साइज में अगर आप 7 सीटर चाहते हो प्रॉपर स्पेस के साथ, तो आप भाई इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हो, जिसके अंदर की आपको माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है, सस्पेंशन अच्छा मिल जाता है, स्पेस अच्छा मिल जाता है, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, सर्विसेज सेंटर इतने मारुति के इंडिया में, सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं आनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको ना के बराबर देखने को मिलती है, तो सब चीज़ें एक क्लास है। दो चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई, एक तो बिल्ड क्वालिटी, दूसरा आपकी भाई इसके लुक्स और फीचर्स, बाकी ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ें गाड़ी के अंदर अच्छी देखने को मिलती हैं जो कि चलती आ रही हैं, लेकिन मेरे कहने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, 1.5 लाख यूनिट भाई महीने के बेच रहे हैं, चाहे मैं कितनी बुराई करूं, लोगों ने कितने भाई इसके हाइप बना दी कि भाई ऐसी कच्चा कागज है, ये है फलाना ढूंगा, फिर भी भाई मारुति अपने सेल्स को उसी लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं जितना कि पहले चलता आ रहा है, बढ़ ही रहे हैं घट नहीं रहे। तो जिन जिनके पास अर्टिगा CNG है तो आप लोग बताना कि मेरी बात से सहमत है या नहीं, और आप लोगों ने 1 किलो के अंदर कितना माइलेज निकाला है, हमने मैक्सिमम 37 निकाला है, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और जिन जिनका बजट है 12.5-15 लाख रुपए, तो आप अर्टिगा के ऊपर जाना चाहेंगे या नहीं। और दूसरी बात, इस गाड़ी के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या चाहते हैं कि कोई और कंटेंट बनाऊं इसके ऊपर तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, बाकी मिलते हैं ऐसी अमेजिंग कंटेंट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।